उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2369 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लखनऊ शहर में हड़कंप मच गया है। वहीं पूरे राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8490 नए मामले मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक मामले राजधानी लखनऊ में मिले हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होने जा रही है और इन सबके बीच सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करें, नहीं तो कोरोना की रफ्तार को रोकना बेहद मुश्किल होगा। गुरुवार को सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ में कोरोना के 2369 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में एक दिन के भीतर 8490 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 39338 हो गई है। एक्टिव मरीजों की इस कुल संख्या में 25% मरीज राजधानी लखनऊ में ही है। लखनऊ में कोरोना वायरस के कुल 10,249 मरीज एक्टिव हैं और राजधानी के अस्पतालों की स्थितियां बदतर होती जा रही है। लखनऊ के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच लोगों को बेड मिलने में काफी असुविधा हो रही है। वही बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अब वैक्सीनेशन का काम भी तेज करा दिया गया है। इन सबके बीच सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर लगाएं। लेकिन ये जरूर है कि राजधानी लखनऊ में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखकर ये जरूर लगता है कि लोगों के बीच कोरोना वायरस का डर खत्म हो गया है और सड़कों पर धड़ल्ले से कोरोना के नियम तोड़े जा रहे हैं, जिसका असर कोरोना के बढ़ते केसों के बीच भी दिख रहा है। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।